सीरियल पुण्यश्लोक 11 के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। अहिल्या दरबार में आती है और तभी गंगवा बोलते हैं कि सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दरबार की कार्रवाई शुरू करें। तो मल्लारो सरकार बोलते हैं कि हाँ कार्रवाई शुरू की जाए। और तभी अहिल्या बोलते हैं कि सरकार कल जो दुखद घटना घटी है केसर की आत्महत्या, उसके आत्मा की शांति के लिए मैं चाहती हूँ कि दरबार शुरू होने से पहले सभी लोग कुछ क्षणों के लिए मौन रखें। और तभी एक सरदार खड़ा होता है और बोलता है कि सरकार क्या व्यावसायिक नृतांगनाओं के घराने या उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए शोक मनाने के लिए मौन व्रत रखना जरूरी होगा। तो अहिल्या बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, देखिए अब आप स्थितियों का फायदा उठा रहे हैं। किसी की मौत पर अफसोस करने के लिए ये थोड़ी ना जरूरी होता है कि वह दरबार का अधिकारी होना चाहिए या कोई राज परिवार का सदस्य होना चाहिए। और तभी गंगवा बोलते हैं कि क्षमा कीजिए छोटी रानी, लेकिन दरबार की कार्यवाही को रुकवा कर उस लड़की के लिए शोक करना ये मुझे अनिवार्य नहीं लगता। तो अहिल्या बोलते हैं कि गंगवा काका आप भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो गंगवा बोलते हैं कि छोटी रानी कब तक उस अनजान लड़की के लिए शोक मनाते रहेंगे, यहाँ दरबार में उपस्थित दरबारी हैं और गांव वाले हैं और वहाँ मालवा की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले सिपाही, इन सभी की समस्याओं का समाधान करना दरबार का सबसे पहला कर्तव्य है। और तभी दरबार के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो मल्लारा बोलते हैं कि शांत हो ये आप सभी लोग, और गंगवा हम समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं और ना ही दरबार को पारिवारिक मामलों में उलझाना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमें लगता है कि जब तक गौतमा रानी साहब की तबीयत संभल नहीं जाती तब तक हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। तो गंगवा बोलते हैं कि सरकार मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मालवा की बड़ी रानी के साथ मालवा का यह दरबार संवेदनाएं रखता है, सरकार आप बड़ी रानी साहब के पास जाइए, मैं कुछ देर के लिए दरबार को स्थगित करवाता हूँ। और तभी गंगवा बोलते हैं कि आप सभी से अनुरोध है कि हमारी गौतमा रानी साहब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। और तभी दरबार के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है मल्लारू सरकार अहिल्या से बोलते हैं कि क्या कहा मालराव ने, तो अहिल्या बोलते हैं कि मालराव ने आने से मना कर दिया। और तभी दिखाया जाता है मल्लारू सरकार मालराव के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि मालराव सो रहा होता है। तो मल्लारा मालराव को उठाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मालराव उठो, तुम्हारी अज्जी साहब तुम्हारा इंतजार कर रही है, उन्हें मिलना है तुमसे, लेकिन मल्लारा फिर भी नहीं उठता। तो मल्लारा बोलते हैं कि ये तो उठ ही नहीं रहा, क्या हो गया इसे। और तभी मल्लारो सरकार मालराव से मदिरा की स्मेल देखते हैं और बोलते हैं कि इसने तो मदिरा पी है। और इसके बाद दिखाया जाता है गौतमा भी मालराव को पुकार रही होती है। और तभी दिखाया जाता है वहां पर मल्लारो सरकार आते हैं। तो वैद्य जी मल्लारो सरकार से बोलते हैं कि सरकार आज की रात बहुत मुश्किल से कटेगी, और इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, गौतमा भी मालराव का नाम पुकार रही होती है। और तभी दिखाया जाता है वहां पर पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि सरकार संसार असार है और शरीर नश्वर है, बड़ी रानी साहब की आत्मा उनके शरीर से निकलने के लिए आतुर है, इनके प्राण बखेरू अब उड़ने को बेचैन है, सरकार बड़ी रानी साहबा के मुख में ये गंगा जल दीजिए। तो मल्लारा बोलते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि सरकार जो नहीं हो सकता लेकिन हमें अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि यही धर्म है, किसी भी स्त्री के लिए बहुत सम्मान का विषय है कि उनके अंतिम समय में उनका पति उनके मुख में गंगा जल दे। तो सरकार गंगा जल देकर अपना कर्तव्य निभाइए। और तभी मल्लारो सरकार अपने हाथ में गंगा जल का लोटा पकड़ते हैं, लेकिन तभी उनके हाथ कांपने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा। और इसके बाद दिखाया था मालरा अपने कक्ष में सो रहा होता है और तभी यहाँ पर मुक्ता आती है और मालरा के ऊपर पानी डालती है। तो मालरा उठकर बैठ जाता है और तभी मुक्ता बोलते हैं कि बस कीजिए दादा, ये सब क्या है, बड़ों की आप पर चली नहीं, इसलिए छोटी होने के नाते मुझे आपको जगाने के लिए आना पड़ा, इतनी भी क्या दीवानगी और इतनी भी क्या बेशर्मी, और वहाँ बड़ी अज्जी साहब की सांसें आपको देखने के लिए अटकी हुई हैं और आप यहाँ मदिरा के नशे में डूबे हुए हो। तो मालरा बोलते हैं कि देखो मुक्ता तुम जानती हो। तो मुक्ता बोलते हैं कि हाँ जानते हैं हम जानते हैं कि आपने केसर को खोया है और उसका दुख हमें भी है, लेकिन वहाँ जो आपका नाम लेकर तड़प रही है वो आपकी अज्जी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आपके पैर पड़ती हूँ, बस एक बार आप अज्जी से मिल लीजिए, वो प्राण नहीं त्याग पा रही, बस एक बार मिल लीजिए दादा। और तभी मालरा उठकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद दिखाया था गौतमा भाई मालरा का नाम लेते लेते अपना दम तोड़ देती है और तभी सभी लोग रोने लगते हैं। और तभी दिखाया था वहां पर मालरा आता है और वो भी रोने लगता है। और इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, गौतमा भाई को अंतिम संस्कार के लिए लेकर आते हैं और तभी मल्लारा सरकार रोते हुए बोलते हैं कि गौतमा रानी आपके बिना कैसे जिएंगे हम, अब हमारा क्या होगा। और तभी अहिल्या बोलते हैं कि बाबा साहब संभालिए खुद को, आई साहब के बिना होलकर वड़ा जैसे हमें खाने को दौड़ेगा। और तभी पंडित जी बोलते हैं कि सरकार अब चिता को मुखाग्नि दीजिए। तो मल्लारा बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। तो अहिल्या बोलते हैं कि आइए बाबा साहब और संभालिए खुद को। और तभी मालराव रोते हुए बोलते हैं कि अज्जी साहब आप ही तो थे जो हमें हमेशा समझते थे, दुख सुख में हमेशा हमारा साथ देते आए, और हम एकदम नलायक, आप हमारा नाम ले रही थी, हमें पुकार रही थी और हम फिर भी नहीं आए, अब हमें भी यहाँ पर नहीं रहना है, हमें भी ले चलिए अपने साथ। और तभी तुको जी मालराव को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मालराव शांत हो जाओ, खुद को संभालो। और तभी पंडित जी बोलते हैं कि सरकार अब अंतिम संस्कार का समय आ गया है, अब आपको बड़ी रानी साहबा की चिता को अग्नि देनी होगी। और इसके बाद दिखाया जाता है मल्लारो सरकार गौतमावी की चिता को अग्नि देते हैं। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। राघवा गुनू जी से बोलते हैं कि परसों सुबह होते ही हम मालवा को चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर होगा आक्रमण। तो गुनू जी बोलते हैं कि और इसमें जो भी अहिल्या के हक में होगा उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद दिखाया जाता है गंगवा अहिल्या के पास आते हैं और बोलते हैं कि छोटी रानी आपको अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा। तो अहिल्या बोलते हैं कि क्या हुआ गंगवा काका,
तो गंगवा बोलते हैं कि मालवा का अस्तित्व और एकता दोनों खतरे में है, इसलिए आप अभी के अभी हमारे साथ चलिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।